तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं टाइम की कैलकुलेशन के ऊपर। लास्ट क्लासेस में हमने डेट की कैलकुलेशन के बारे में बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं टाइम की कैलकुलेशन के ऊपर। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था बिटवीन टू डेट्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस है और डिफरेंसेस निकालने की हमने बात की थी और कुछ डिफरेंसेस को ऐड करने की बात की थी हमने लास्ट क्लासेस में। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं टाइम की कैलकुलेशन में। जैसे कि अब टाइम लिखने का तरीका क्या है, टाइम लिखने का तरीका यह है कि आप यहाँ पे जैसे टाइम 10:20 लिखना है तो 10:20, अगर सेकेंड लिखना है तो सेकेंड भी लिख सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 10 बजे रात का लिखना है तो यहाँ एएम को पीएम करना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका है कि आप 24 आवर जैसे कि 22:20 कर ले तो वो ऑटोमेटिकली आपका पीएम यहाँ हो जाएगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप 24 आवर के टाइप अगर कर रहे हो तो 24 आवर के फॉर्मेट में ही लेके चलो तो ठीक रहेगा लिखने में, वरना IMPM लिखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, राइट सर। अब तो टाइप करने की बात हुई, अगर हम बात करते हैं करेंट सिस्टम टाइम के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है नाउ का। तो नाउ सिर्फ टाइम ही नहीं डेट एंड टाइम दोनों देता है। अब मुझे इसमें से सिर्फ टाइम को अलग करना है, तो सिर्फ टाइम को अलग करने के यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा आवर का, तो इसमें से मुझे आवर अलग करके दे देगा, के साथ मिनट का लगाऊंगा तो इसमें से मिनट हमें अलग करके दे देगा, और यहाँ पे सेकेंड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो सेकेंड को अलग कर देगा, और फिर टाइम फॉर्मूला के जरिए हम इसको आवर मिनट और सेकेंड को कंबाइन करके हम अपना टाइम स्टेक कर देंगे। तो जैसे डेट मंथ और ईयर को फॉर्मूला के जरिए हम तीनों का स्टेक करके फिर डेट फॉर्मूला में हम तीनों को कंबाइन किए थे, उसी तरीके से यहां इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट सर। अब इसमें एक अगला आता ऑप्शन कि इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंट का जो कि इंटीजर निकालता है, और जब आप डेट को देखोगे जनरल फॉर्मेट में करके तो ये आपका नंबर जो है वो डेट है और ये जो आपका डेसिमल है वो आपका टाइम है। तो जब आप इंट लगाते हैं तो सिर्फ नंबर को निकालता है, डेसिमल को अलग कर देता है। तो आप इसमें से माइनस इसको कर दें तो आपको सिर्फ डेसिमल आएगा, और इसके ऊपर आप टाइम का फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें तो आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे बताएंगे आपको। अब बात करते हैं कि टाइम के ऊपर पर्टिकुलर इंटरवल को ऐड करना। जैसे कि आपको 10:20 मैंने 30 मिनट रखा है, मुझे इसमें एक इंटरवल ऐड करना है, मतलब कि मुझे इसमें 30 मिनट ऐड करना है या फिर 20 मिनट ऐड करना है। तो आप अगर आपने टाइम फॉर्मेट में 20 मिनट को लिखा हुआ है तो आप जस्ट इसको सेलेक्ट करें एंड इसको प्लस करके एंटर मारें, ये आपका टाइम ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 10:20 उसको नंबर में रख दिया तो दिक्कत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सिस्टम 1 = 24 आवर, मतलब कि 1 डे समझता है, तो 20 × 24 आवर मतलब कि 20 डे हो गया, न कि 20 मिनट्स हुआ। तो अगर आपने इसी फॉर्मेट में आपको ऐड करना है तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि इसमें प्लस टाइम का फॉर्मूला अप्लाई पड़ेगा, टाइम आवर में 0, मिनट में हमारे पास 20 और सेकेंड में हमारा 0, और हमने एंटर मार दिया तो 10:50 हमारा आया। क्लियर है? अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये तो ऐड करने की बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए कोई टाइम है 10 बज, मान लीजिए मैं ऑफिस 10:20 पे गया और शाम को 8 बजे ऑफिस से रिटर्न आया, ऑफिस पे कितना घंटा काम किया, तो आप जो है लेटेस्ट टाइम माइनस
फुलनेस टाइम मतलब की डाल दीजिए, आपको टाइम पता चल जाए कि 9 बजे मैं 9.5 घंटा इस ऑफिस में काम किया, ठीक है। साढ़े 9 घंटा मैंने इसमें काम किया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं दोपहर में 2 बजे गया और रात के 3 बजे तक काम किया, तो कितना घंटा काम किया, तो यहां पे डेट चेंज हो रहा है, समझ गए। तो आपको डेट एंड टाइम इकट्ठे लिखना पड़ेगा कि 1:22 दोपहर के 2 बजे और 1:23 दोपहर के रात के सॉरी रात के 3 बजे। अब जो है आप लेटेस्ट यहां पे लेटेस्ट टाइम डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम में आप सेलेक्ट करके एंटर मारो, आपके पास टाइम आ। अब इस टाइम को टाइम फॉर्मेट में लाना है तो आप इस तरह से रख सकते हैं कि डिफरेंस को टाइम फॉर्मेट में लाने का तरीका मैं समझा देता हूं। यहाँ पे टाइम में ये जो 37:30:55 है इसको ही रखें तो सही रहेगा। तो 13 घंटे का टाइम लगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो सकता है कि मेरा डेट इस तरह से लिखा हो फिर टाइम लिखा हो, ये अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में सिंपल है कि आप पहले लेटेस्ट डेट प्लस लेटेस्ट टाइम को प्लस कर लें, डेट एंड टाइम को पहले प्लस कर लें फिर माइनस करें फिर डेट एंड टाइम को प्लस करें, समझ गए। तो रिजल्ट आएगा और इस पे वही 37:30:55 का फॉर्मेट अप्लाई करें, क्लियर है। कोई डाउट सर? अब चलिए डेट के कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेट डेट वैल्यू डेट 360 इसे फॉर्मूले हमने नहीं कवर किए हैं। तो सबसे डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू के बारे में जानिए। हो सकता है कि किसी ने डेट आप भेजा और उसको टेक्स्ट में लिखा, अब इसमें किसी और तरह का फॉर्मेट अभी अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि डेट टेक्स्ट में डेट जो है हमारा टेक्स्ट में, तो उसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए डेट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर टाइम आपका किसी ने लिख रखा है तो उसके लिए टाइम वैल्यू। तो दो फॉर्मूले इसके लिए, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उसको, लेकिन फॉर्मेट नहीं आता, फॉर्मेट खुद से अप्लाई करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट से आपका टाइम का फॉर्मेट आता है और कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग से हैश की से आपको जो है आता है डेट का आता है। उसके बाद इसमें डे 360, अब जैसे कि आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने बताया था कि हम दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो एक होता है कि आप जनरली इसको माइनस कर दिया तो डेट निकल गया, एक हमारे पास होता है डे 360। डे 360 में स्टार्ट डेट और एंड डेट हम देते हैं, तो एक इसमें डिफरेंस कम है क्योंकि ये साल को 365 दिन नहीं 360 दिन लेता है, क्योंकि फाइनेंस ईयर के अकॉर्डिंग डिफरेंस निकालता है, फाइनेंस ईयर आपका 360 दिन का होता है, 5 दिन वो लेजर मेंटेन वगैरह करने के लिए लेते हैं, इसलिए 360 पे चलता है, राइट। 360 के बाद इसमें अगला फॉर्मूला है, ई डेट हम कर ही चुके, ईओ मंथ। जैसे मैं कोई भी डेट डालू और मुझे इस महीने की आखिरी डेट पता चल जाए तो उसके लिए हम ईओ मंथ, ये फॉर्मूला बड़े काम का है, ईओ मंथ का लेते हैं, कॉमा जीरो करते हैं तो उसी महीने के मुझे लास्ट डेट दिख जाएगा। क्योंकि आप अगर कोई रिपोर्ट बनाते हैं, मान लीजिए कि आपको मंथ वाइज सम चाहिए बिटवीन 1 जनवरी से 31 जनवरी 1 फरवरी से 28 फरवरी, तो इसमें क्या होता है कि हर महीने का एंड डेट अलग अलग होता है, किसी का 30 किसी 31 किसी का 28 किसी 29 ऐसे होते हैं। तो उस केस में ईओ मंथ आपको बताता है कि इस महीने का लास्ट डेट क्या है।
लेकिन इसी में हमने जीरो कर दिया मतलब कि इस महीने का बता रहा है, अगर मैंने इस पे वन कर दिया तो वो अगले महीने का बताएगा, अब हमने माइनस वन कर दिया या टू कर दिया तो अगले के अगले जितना महीने डालोगे उतने महीने बाद का दिखाएगा प्लस में, अगर माइनस में डालोगे उतने महीना पीछे का दिखाएगा। तो योमन समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसमें और फॉर्मूले जो हमने कल कवर नहीं किए हैं, मिनट मंथ नेटवर्क डेज आईएनजी नाउ सेकेंड टाइम वैल्यू हो गया, टुडे हो गया, हाँ वीक डे वीक नाम दो फॉर्मूले हैं, इसको कर लेते हैं। जैसे कि आप वो डेट डालते हो तो उसका आपको वीक चाहिए मतलब कि वीक डे चाहिए, तो उसके लिए एक तो है कि अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए तो हम लोग टेक्स्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें देते हैं डी डी डी, तीन बार डी डी देते हैं तो हमारा आ जाता है ट्यूजडे मंडे फ्राइडे जो भी है वो आ जाता है, राइट। लेकिन मुझे इसको नंबर में चाहिए, ट्यूजडे इट मींस सेकेंड, अगर हमारा मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है तो मंडे ट्यूजडे दूसरा दिन है, थर्ड तीसरा दिन है, इस तरह से चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास आता है वीक डे इक्वल वीक डे, इसको सिलेक्ट किया। अब इसमें स्टार्ट आप किससे करना चाहते हो, मंडे से या संडे से? नंबर टू, अब ऐसा क्यों? क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग वीकेंड होता है ना, जैसे कि आप गल्फ में जाए तो फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे फ्राइडे होता है, तो फ्राइडे सैटरडे है तो संडे से वीक स्टार्ट हुआ, और फ्राइडे हुआ तो सैटरडे से वीक स्टार्ट हुआ, तो इसलिए ये नंबर दिया गया है। क्लियर है? तो एक और आता है हमारे पास वीक नम। वीक नम क्या करता है कि साल के अकॉर्डिंग बताता है कि आपका वीक कौन सा चल रहा है, साल के अकॉर्डिंग बताता है, ये महीने का वीक नहीं बताता है, साल का वीक बताता है, ध्यान रखिएगा। महीने का वीक पता करना है तो हम कर सकते हैं इसी से कि वीक नाम माइनस जो उससे उस जो डेट है उससे डेट के लास्ट वाले डेट से हम बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए ना कि मैं डेट डाल दिया 16 मार्च, अब मुझे पता करना है कि 16 मार्च इस वीक का मतलब कि इस 16 मार्च साल के कौन सा वीक चल रहा है, तो हमने क्या साल का कौन सा वीक चल रहा है तो हम वीक नंबर नेम से पता कर लेंगे कि 11वां वीक चल रहा है, लेकिन मार्च महीने का कौन सा वीक है ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक डेट देंगे, वीक नम देंगे, यहाँ पे वीक नम, और वीक नम में बोलेंगे ईओ मंथ, ईओ मंथ में इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम माइनस वन दे देंगे। माइनस वन देने से क्या होगा कि इकतीस मार्च का डेट आएगा, अट्ठाईस फरवरी का डेट आएगा और बताएगा यहाँ पे कि 28 फरवरी तक जो था वो जो नौवां वीक चल रहा था, मतलब कि ये चलेगा इस साल का दूसरा वीक है, दूसरा एक प्लस हो जाता है, तीसरा चलेगा, मतलब कि ये मार्च का तीसरा वीक, एक प्लस करना पड़ेगा, मार्च का तीसरा वीक, एक हमेशा प्लस करना पड़ेगा आपको, मार्च का तीसरा वीक चल रहा है। अगर मैं इसमें 20 मार्च करूं तो 20 मार्च चौथा वीक चल रहा है, अगर मैं 28 मार्च करूं तो ये पांचवा वीक चल रहा है, और 31 मार्च करूं छठा वीक तो नहीं होता है, 30-31 में गड़बड़ है, इसको देखना पड़ेगा सर। पर ऐसे हो जाता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, इसमें गड़बड़ हो गया है, 31 के आने से गड़बड़ हो गया है सर,
या ये माइनस नहीं करना पड़ेगा तो हो सकता है, तो कुछ ऐसा सिस्टम डालना पड़ेगा कि 20 के बाद माइनस ना करे, नहीं 26 के बाद, ऐसा कंडीशन देना पड़ेगा। मैं इस पे रिसर्च करके बताऊंगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट फॉर्मूला इसके अंदर आता है, वो आता है ईयर फ्रिक्वेंसी का। तो चलिए ईयर फ्रिक्वेंसी का समझ लेते हैं फॉर्मूला क्या करता है। जैसे कि आपने एक काम स्टार्ट किया 1/1/2018 में, अब काम आज खत्म कर रहे हो आप, तो आपसे सालाना बात हुआ है कि आप सालाना जो है 3.5 लाख रुपए का बिल करना है, लेकिन अब एक साल से बढ़ चुका है डेट हमारा, तो कितना ज्यादा बिल करना है हमें, तो उसके लिए यहाँ पे ईयर फ्रीक्वेंसी जो है यूज होता है वो बताता है कि कितना परसेंट साल का यूज हुआ है। तो ये बता रहा है आपका कि 105% यूज हुआ, परसेंटेज 106% यूज हुआ है, मतलब कि आप इसमें 106% बिल, 6% ज्यादा बिल करेंगे। ठीक है, इस परसेंटेज दिखाता है आपको ईयर फ्रीक्वेंसी। तो आज मैंने आपको डेट के सारे फॉर्मूले कवर कर दिए, राइट। अब इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लें, उसके बाद जो अगला फॉर्मूला आएगा हमारा, वो अगला फॉर्मूला आएगा डे इससे लुकअप, लुकअप रेफरेंसेस से आएगा, तो हम कल इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय।